नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग गुड मॉर्निंग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे एक बार रिक्वेस्ट है आपसे जल्दी से आइए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा एंड चलिए जल्दी से करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर की हम शुरुआत ठीक है डेली करंट अफेयर है हमारा मैंने क्लास में पिछली क्लास में ही बता दिया था कि थोड़ा सा हम लेट स्टार्ट करेंगे तो डेली करंट अफेयर हमारा है चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहला जो आज का न्यूज़ है इस पर डायरेक्ट आते हैं और बात करते हैं दोस्तों नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की नेशनल लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक क्या होता है दोस्तों देखो एक टर्म मैंने थोड़े दिन पहले आपको पढ़ाई थी सप्लाई चेन ठीक है याद है सप्लाई चेन हमने पढ़ाया था आपको आज मैं उसी का एक भाग पढ़ा रहा हूं आपको जिसका नाम क्या है दोस्तों लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों देश के अंदर में जो सप्लाई चेन है उसको मेंटेन करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन ये सब करना पड़ता है दैट कम्स अंडर द लॉजिस्टिक पॉलिसी ठीक है तो भारत की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको अच्छा करने के लिए भारत को वेल well कनेक्ट करने के लिए इस पॉलिसी को स्टार्ट किया गया था तो इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं ठीक है सो बेसिकली मुद्दा देखो कहां आया हुआ है मुद्दा आया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर पीआईबी के अंदर ये टॉपिक आया हुआ है सो वी आर डिस्कसिंग इट बिकॉज ये पीआईबी के अंदर में आया हुआ है इंडिया मार्क्स वन ईयर ऑफ लॉन्च ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑन सेवनटीन सेप्टेंबर 2023 रैपिड प्रोग्रेस मेड इन द इंप्रूविंग ओवरऑल लॉजिस्टिक्स सो जीएस पेपर तीन का भाग है दोस्तों यहां पर हम जीएस पेपर तीन में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहां पर हम पढ़ते हैं बोला क्या गया रिसेंटली इंडिया मार्क वन ईयर ऑफ लॉन्च ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी देखो हाल ही में भारत ने ना यार एक साल पूरा कर लिया है एक वर्ष पूरा कर लिया अपना नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ठीक है अब ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी थी ये क्यों स्टार्ट की गई थी टू कॉम्प्लीमेंट पीएम गतिशक्ति पीएम गतिशक्ति के बारे में सबको पता होगा तो जो हमारा पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान था दोस्तों उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इसको स्टार्ट किया था दोस्तों नेशनल पॉलिसी को तो इट बेसिकली ऑन सितंबर दो हजार बाईस को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारा जो पीएम गतिशक्ति प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था हाल ही में भारत में राष्ट्रीय रसद नीति के लॉन्च का एक वर्ष पूरा हो गया है पीएम ने गति पीएम गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान पी एम गतिशक्ति राष्ट्रीय प्लान के पूरक के रूप में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय रसद नीति जिसको हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एनएलपी की शुरुआत यहां पर की थी अब समझिएगा दोस्तों व्हाट इज लॉजिस्टिक्स सर क्या मतलब होता है लॉजिस्टिक्स जब हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं तो क्या होता है देखो लॉजिस्ट लॉजिस्टिक्स अगर मैं ब्रॉड सेंस में बोलू ना तो इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ठीक है बट सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता उसके अंदर उसके अंदर कई चीजें आती है लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी देश के अंदर में जो गुड्स हैं वस्तुएं हैं उसका फ्री फ्लो कैसे इंश्योर कर सको एक जगह से दूसरी जगह पर चीजें कैसे आसानी से भेजी जा सके रिसीव की जा सके है ना और उनकी सप्लाई मेंटेन की जा सके उसी को हम क्या बोलते हैं लॉजिस्टिक्स सामान्य शब्दों में जो समझना चाहते हैं लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट कि एक जगह से दूसरे जगह चीजें क्या होगी बट इससे बड़ा होता है हमें लॉजिस्टिक्स में क्या देखना है कि हमारे लॉजिस्टिक्स के अंदर देश के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो गुड्स हैं वस्तुएं हैं उनका फ्री फ्लो इंश्योर करना है हमें तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं उसके अंदर में प्लानिंग आता है इंप्लीमेंटेशन आता है मैनेजिंग आता है सो so, लॉजिस्टिक्स का मतलब है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इंप्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग देंट फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स इसमें स्टोरेज ऑफ गुड्स का भी आता है सर्विसेज़ का भी आता है इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज फ्रॉम देअर पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू देर डेस्टिनेशन एक चीज कहीं पे उत्पन्न हो रही है चाहे वो वस्तु है चाहे वो सर्विस है चाहे कोई इंफॉर्मेशन है है ना उसको मुझे एक स्थान से लेकर बाकी हर जगह पे पहुंचाना है उसका मैनेजमेंट इंश्योर करना है उसको ट्रांसपोर्ट करना है उसको स्टोर करना है दोस्तों तो ये सारा सिस्टम जो है ये सारा नेटवर्क जो है क्या कहलाता है दोस्तों हमारा ये लॉजिस्टिक्स कहलाता है सो व्हाट इज लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स क्या है दोस्तों सो लॉजिस्टिक्स रेफर टू दी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इंप्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग द देंट फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स सर्विसेज इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स फ्रॉम देर पॉइंट ऑफ टू टूर डेस्टिनेशन लॉजिस्टिक्स से तात्पर्य सेवाओं सूचनाओं और संसाधनों के उनके मूल स्थान से उनके गंतव्य तक कुशल प्रभाव और भंडारण की योजना बनाना कार्यान्वयन करना और उनका प्रबंधन करना ये सारी प्रक्रिया जो है दोस्तों ये किसके अंदर आती है लॉजिस्टिक्स के अंदर आती है इट एन कम्पास वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी भैया देखो लिखा हुआ है इसके अंदर में कई सारी एक्टिविटी आती है दोस्तों कह रहा है इट वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड फंक्शन विद इन दी सप्लाई चेन सप्लाई चेन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं इसके अंदर जैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है इसमें वेयर हाउसिंग इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसमें ऑर्डर फुलफिलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और काफी सारी चीजें इसके अंदर में शामिल होती है सो so, इसमें कई सारी चीजें होती हैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता दोस्तों तो ये सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें ना केवल ट्रांसपोर्ट होता है एक स्थान से दूसरी स्थान पे चीजों को ले जाना बल्कि वेयर हाउस बनाना कहाँ पर उनको थोड़े टाइम के लिए लोकली नॉर्मल टाइम में स्टोर किया जाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना ये सारी चीजें इसके अंदर में आती हैं तो इसे आपूर्ति श्रृंखला के भीतर परिवहन भंडारण इन्वेंट्री प्रबंधन ऑर्डर पूर्ति वितरण और बहुत कुछ सहित गतिविधियाँ और उनके कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला इसके अंदर में शामिल है अब क्या कह रहा है दोस्तों कह रहा है कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेटेड फील्ड दैट इनव कोऑर्डिनेशन प्लानिंग एग्जीक्यूशन टू एंश्योर दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल वेयर एंड व्हेन दे आर नीडेड उद्देश्य क्या होता है दोस्तों इस जटिल प्रक्रिया का जिसमें हम सारा मैनेजमेंट करते हैं सारा प्लानिंग करते हैं सारा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है देखो उसका उद्देश्य होता है कि वस्तुएं और सर्विसेज जो है ना वो ईजिली अवेलेबल हो जाए जहां भी हम चाहते हैं ठीक है जिस जगह पर भी हम चाहते हैं वहां पर चीजें दोस्तों क्या हो जाए अवेलेबल हो जाए दिस इज ऑब्जेक्टिव ये इसका क्या है दोस्तों उद्देश्य है है ठीक अब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो पॉलिसी है इट प्लेस एम्फोसिस ऑन क्रिटिकल एरिया जैसे प्रोसेस रीस्ट्रक्चरिंग डिजिटाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन मोड इसमें क्या कह रहा है दोस्तों ये जो हमारी नीति है एनएलपी जो है इसके तहत हम किस चीजों पे ध्यान दे रहे हैं दोस्तों हम ध्यान देंगे रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्र, री जो ऑलरेडी हमारी प्रोसेस है उसको कैसे हम रीस्ट्रक्चर करें डिजिटाइजेशन पे हम ध्यान दे रहे हैं दोस्तों कि डिजिटलीकरण कैसे किया जाए है ना चीजों को अभी अगर हम देखें तो शायद डिजिटली डिजिटल ना हो बट हम चाहते हैं इसके माध्यम से कैसे उनको डिजिटल करें किस प्रकार से हम मल्टीपल ट्रांसपोर्ट मोड को आपस में इंटीग्रेट करें जोड़े रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ठीक है उसके अलावा एयर एयर से और जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन है किस प्रकार इसको हम कनेक्ट करें इस पर ध्यान देना है सबसे पहला ध्यान किस पे दोस्तों इंटीग्रेशन डिजिटाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस इन पे हमें ध्यान देना है दूसरा दिस मेक्स अ पिवोटल स्टेप गिवन गिवन दैट द दैट द एलिवेटेड लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द ग्लोबल ग्लोल कॉम्पिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स बस इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों देखो लॉजिस्टिक्स अगर किसी देश के अंदर में अच्छा नहीं है तो सिंपल सी बात है दोस्तों सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इंपैक्टेड और इनसे क्या होगा दोस्तों उस देश की जो कॉम्पिटेटिवनेस है प्रोडक्शन की वो हैम्पर होती है वो बाधित होती है है ना तो अगर आप ये नहीं चाहते अगर आप चाहते हैं आपके देश का भी प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव रहे चीपर रहे तो देन इन दैट केस वट यू हैव टू डू आपको अच्छी लॉजिस्टिक पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों अपनी पॉलिसीज को सुधारना पड़ेगा तो यही हम कर रहे हैं तभी हमारे देश का प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव होगा तभी हमारी इकोनमी कॉम्पिटेटिव होगी आप मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों द कॉल फॉर अ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ड्यू टू द फैक्ट दट लॉजिस्टिक अदर एडवांस इकॉनमी पॉलिसी हमने क्यों बनाई देखो हमें जरूरत लगी बाकी देशों के अंदर में लॉजिस्टिक्स का ना इतना कॉस्ट नहीं है वो सस्ता है वहां पर लॉजिस्टिक्स लेकिन भारत में अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर में लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या है दोस्तों ज्यादा है और उसी ज्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से ये ऐसा हुआ है दोस्तों तो ये क्यों है ये भी आपको समझना जरूरी है दोस्तों कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की जो जरूरत हमें क्यों पड़ी है कि बाकी के जो देश है जो एडवांस इकॉनॉमी है दोस्तों एडवांस इकॉनमी के अंदर में क्या देखने को मिला है दोस्तों एडवांस इकॉनॉमी के अंदर में हमें देखने को मिला है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वहां पर वो कम है हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या है दोस्तों ज्यादा है विजन पे बात करते हैं दोस्तों तो जो विजन है एनएलपी का ये क्या है दोस्तों इस टू ड्राइव इकॉनॉमी ग्रोथ हम चाहते हैं देश की आर्थिक जो ग्रोथ है आर्थिक जो आपका आप, क्या बोलते हैं ग्रोथ को यार हिंदी में मैं देखो कैसी कैसी चीज़ें भूल जा रहा हूँ आजकल ठीक है अरे ग्रोथ को क्या बोलते हैं आ, ग्रोथ ग्रो, आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि ठीक है तो विजन क्या है एनएलपी का हम चाहते हैं कि जो हमारी आर्थिक वृद्धि है वो हो बिजनेस जो है हमारे वो कॉम्पिटिव बने हमारे देश के अंदर में थ्रू इंटीग्रेटेड सीमलेस एफिशिएंट रिलायबल ग्रीन सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक नेटवर्क हम बस ये चाहते हैं दोस्तों कि हमारे देश के अंदर में जो लॉजिस्टिक है वो टॉप क्लास की है ठीक है ये हम चाहते हैं है ना हम चाहते हैं देश के अंदर में जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो हमारे लॉजिस्टिक का परफॉर्मेंस बढ़े हमारे देश के प्रोडक्ट जो हैं वो आप देखो आपका देश में लॉजिस्टिक का कॉस्ट महंगा होगा तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट भी महंगे होंगे तो हम ये नहीं चाहते दैट्स वाई वी हमने ये लॉन्च किया था इसके अंदर में हमारे कुछ टारगेट्स हैं जैसे रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडिया हम चाहते हैं भारत के अंदर में जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो कम हो इंप्रूव लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग है ना हम ये भी करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि बाई दो तक हम दुनिया के टॉप ट्वेंटी फाइव कंट्रीज के अंदर आ जाएं जिसमें हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो है वो टॉप ट्वेंटी फाइव के अंदर हो क्रिएट डेटा ड्रीवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम एक कुशल लॉजिस्टिक पारिस्थितिक तंत्र का भी हम निर्माण यहाँ से करना चाहते हैं सो दीज वर थिंग्स जो हम चाहते हैं दोस्तों ठीक है अब इसके लिए हमने कॉम्प्रीहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान बनाया है इन सबको इंप्रूव करने के लिए ना हमारे पास लॉजिस्टिक कॉम्प्रीहेंसिव हमने एक्शन प्लान बनाया है इस एक्शन प्लान के अंदर में आठ एरियाज है जिसको हमने इंक्लूड करने की बात की है कितने आठ एरिया पहला एरिया कौन सा है इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम हमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना है जिसमें हम सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है उनको कनेक्ट करें सारे मोड ऑफ लॉजिस्टिक्स को क्या करें कनेक्ट करें इंटीग्रेटेड दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड बेंच ऑफ सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों जो हमारे पास फिजिकल एसेट्स है जो बेंच मार्किंग ऑफ सर्विसेज क्वालिटी है उनका हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा ठीक है यह जरूरी है लॉजिस्टिक्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग तीसरे नंबर पे स्टेट एंगेजमेंट एक्जिम लॉजिस्टिक्स सर्विस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क सेक्टोरल प्लान एंड एफिशिएंट लॉजिस्टिक एंड फेसिलिशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क तो ये सारे के सारे काम हमें करने पड़ेंगे नेशनल कॉम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान के अंतर्गत अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च में तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जैसे पीएम गति शक्ति स्कीम क्या होती है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स क्या होते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू लुक फॉर ये चीज़ें हैं जिनको बारे में हमें देखना है पढ़ना है समझना है ठीक है ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अब बात करते हैं प्रिलिम्स के अंदर प्रिलिम्स स्पेसिफिक क्या है प्री के अंदर क्या जरूरी है सबसे पहले तो यार प्री में ये जो वर्ड है ना लॉजिस्टिक व्हाट इज दिस वर्ड लॉजिस्टिक्स का मतलब समझिए क्या है क्या होता है लॉजिस्टिक्स हमारी जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है नई वाली ये क्या है क्या विजन है टारगेट क्या है और जो हमारी कॉम्प्रीहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान है सी एल ए पी इसके तहत में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है गेटिंग माई पॉइंट चलिए बताइए समझ आया है दोस्तों सबको अगर समझ आया है तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रिलिम्स के बाद अब मेंस की बात करते हैं मेंस स्पेसिफिक मेंस में क्या है वट चैलेंजेज एंड ऑपर्चुनिटीज़ आर एक्सपेक्टेड टू अराइज ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड हाउ विल द गवर्नमेंट एड्रेस देम टू अचीव इट्स इंटेंडेड गोल फॉर लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत अच्छी बहुत अच्छा सवाल है यार कि जो हमारी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है उसके कार्यान्वयन के दौरान क्या क्या चुनौतियाँ और क्या क्या अवसर उत्पन्न होंगे है ना क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं क्या बुरी हो सकती हैं और सरकार जो है लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठीक है किस प्रकार से इस इन इन, इन चैलेंजेस को संबोधित करेगी तो मेरे हिसाब से वेरी बहुत ही अच्छा सवाल बहुत ही अच्छा टॉपिक है ठीक है मेरे हिसाब से बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा ठीक है आप बताइएगा गुड मॉर्निंग यार गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग ठीक है आज मैं बेसिकली आपको ग्रीट कर नहीं पाया वेरी सॉरी फॉर दैट बट सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से यार आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं टैकलिंग फूड इन्फ्लेशन तो देखो यार अभी फूड इन्फ्लेशन को टैकल करते हुए आई सी ये एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है इसने एक रिपोर्ट जारी की है ठीक है इसने एक रिपोर्ट जारी की है तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे मुद्दा क्या है इज रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट्स दी ऑप्टिमम पॉलिसी जैसे अभी भारत सरकार ने फूड इन्फ्लेशन को टैकल कर टैकल करने के लिए हमने क्या किया वीट को बैन कर दिया गेहूँ हम बाहर भेजेंगे नहीं वीट बैन कर दिया नॉन बासमती राइस जो है उसका एक्सपोर्ट हमने बैन कर दिया क्यों क्योंकि देश के अंदर में चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा था महंगा हो रहा था तो हमने क्या किया एक्सपोर्ट बैन लगा दिया अब इस पूरी इसके अंदर यही देख बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि एक्सपोर्ट बैन क्या सही है आप एक्सपोर्ट बैन क्यों लगा रहे हो आप एक्सपोर्ट बैन इसीलिए लगा रहे हो ताकि भारत देश के अंदर में कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है अब जब भारत में प्राइस बढ़ रहा है देखो तो किसान अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है गेहूँ का किसान प्रोड्यूस कर रहा है तो अभी सी बात है वो अपने खाने के लिए तो रख ही रहा होगा उसको गेहूँ जाके तो खरीदना नहीं पड़ रहा ये किसको खरीदना पड़ रहा है जो नहीं उगाता बेसिकली अर्बन कंज्यूमर तो आप अर्बन कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रकार के बैन लगाते हो और आपके इन बैन की वजह से फायदा किसको होता है अर्बन कंज्यूमर को लेकिन लॉस किसको होता है दोस्तों फार्मर को ठीक है ये चीज यहां से अपने को समझनी है इस चीज पे अपने को यहां पे ध्यान देना है कि क्या फूड इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए जो हम बैन लगाते हैं वो सही है या उसकी जगह कुछ और होना चाहिए तो देखो मेन्स परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर तीन से फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों फूड इन्फ्लेशन का मतलब क्या इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई मुद्रास्पिति कि चीजों के दाम बढ़ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड कमोडिटी इज नॉन एज इन्फ्लेशन ठीक है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई कहते हैं आप समझिए है मेरी बात दोस्तों जो महंगाई होती है हमारी उसको टैकल करने के लिए क्या बैन लगाना सही चीज है क्या कर सकते हैं फूड प्राइस मतलब ये होता ही है भारत देश के अंदर कभी टमाटर के दाम बढ़ते हैं कभी प्याज के दाम पड़ते हैं कभी आलू के दाम पड़ते हैं बढ़ते हैं कभी सब्जियों के बाकी जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनके दाम बढ़ते हैं तो ये एक मतलब नेचुरल ये मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है भारत के अंदर जो होता ही होता है तो कैसे इसको टैकल कर सकें क्या इसके लिए कोई पॉलिसी है या बैन लगाना ही एकमात्र पॉलिसी है तो उसके लिए बताया गया है कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिसके माध्यम से हमें बैन लगाने की नौबत ना ना आए ठीक है ये कैसे करें है ना जैसे टमाटर है टमाटर के केस में टमाटर के भाव बढ़ते ही हैं साल में नहीं दो साल में एक बार टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं यार अब टमाटर क्या एक पेरिसेबल कमोडिटी है आप बहुत लंबे टाइम तक ऐसा नहीं कि टमाटर लेके स्टॉक करके रख लो जैसे प्याज है प्याज को यू कैन स्टॉक फॉर मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए प्याज आप स्टॉक कर सकते हो प्याज का बफर स्टॉक बना सकते हो बट टमाटर के केस में नहीं है ना तो उसमें ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप दोस्तों टमाटर का प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दो टमाटर को आप प्यूरी फॉर्म में बना के रखो जब इंटर डोमेस्टिक दो, मार्केट में टमाटर का भाव बढ़े आप उस टाइम पे उसका इस्तेमाल करो जैसे अभी था टमाटर एकदम वॉलेटाइल हो गया था 200 सौ ढाई सौ किलो टमाटर मिल रहा था तो ऐसी अवस्था में सरकार क्या कर सकती थी दोस्तों देखो पहली चीज़ तो क्या इंपोर्ट कर लो इंपोर्ट ड्यूटी को रिस्ट्रिक्ट करो इंपोर्ट ड्यूटी को कम करो भारत के अंदर हमारे डोमेस्टिक फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखी है है ना क्योंकि देखो विदेशी विदेश से बाहर देश से जो फार्मर है जो जो प्रोड्यूस करता है उसका प्रोडक्शन बहुत सस्ता होता है क्योंकि देखो बड़े बड़े देशों के अंदर में वहाँ की सरकार एक तो सब्सिडीज़ देती है दूसरा बाहर मेकेनाइज एग्रीकल्चर होता है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है आउटपुट ज़्यादा आती है ठीक है तो वो ईजिली भारत की मार्केट में सस्ते दाम में पहुँच सकता है उनकी सरकार फिर एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है डोमेस्टिक सब्सिडी देती है तो उसके चलते वो भारत में बहुत सस्ता पहुँचे तो भारत सरकार क्या कहती है यार ऐसा करने से तो हमारे आप सोचो यार एक बात बताओ जैसे मान लो भारत में टमाटर मिल रहा है बीस रुपये किलो लेकिन मैं कह रहा हूँ चाइना से वही टमाटर मान लो पांच रुपए किलो में आ जाए तो ये भारत के किसानों के लिए अच्छा है या बुरा है बहुत बुरा है भारत के किसान तो भूखे मर जाएंगे क्यों क्योंकि सब बाहर से ही टमाटर मंगवाएंगे क्योंकि बाहर से पाँच रुपए में आ रहा है उसको दस रुपये में बेचेंगे तो उनको पांच रुपये का फायदा हो रहा है और इधर वाले लोग किसको खरीदेंगे बीस रुपए वाला या दस रुपये इंडिया हम ये जो स्वदेशी स्वदेशी की बात है दिखावे के लिए करते हैं हमें जो चीज़ सस्ती लगती है हम वो खरीदते हैं ठीक है और टमाटर तो है ही टमाटर टमाटर उसमें क्या महंगा और सस्ता देखेंगे ठीक है तो टमाटर जो है बेसिकली हम फिर वही खरीदेंगे तो इससे भारत के किसानों को नुकसान है इसीलिए सरकार क्या करती है उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देती है अच्छा भाई पांच रुपये का टमाटर आ रहा है चाइना से चलो इस पर पंद्रह रुपए की क्या लगा दी हमने इम्पोर्ट ड्यूटी तो ये टमाटर भी बीस का हो गया और भारत में मिलने वाला टमाटर भी बीस का हो गया तो बाहर से आएगा वो बीस रुपये में इंडिया में मिलेगा बीस में अब जो बाहर से जिसने इम्पोर्ट किया है दो तीन रुपये तो बचाएगा तो इसलिए वो महंगा हो जाता है तो इसीलिए भारत सरकार ने एग्रीकल्चर कॉमोडिटी के ऊपर में इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगा रखी है तो इंपोर्ट ड्यूटी हमने लगा रखी है उसके बाद में दोस्तों तो ये कह रहा है कि क्या आप मुद्दा समझ रहे हो है ना जैसे अभी गेहूं के प्राइस बढ़े तो कह रहा है गेहूं के प्राइस बढ़े तो आपने क्या कर दिया व्हीट के ऊपर व्हीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया बट क्या ये सही है अगर आप व्हीट एक्सपोर्ट पे नॉन बासमती राइस के ऊपर में जब आप बैन लगा रहे हो पहले किसान जो है उसको ऑप्शन था उसके पास में कि विदेश में उसकी चीज़ों की डिमांड थी तो विदेश से उसको अच्छा भाव मिलता था अब आपने उस पर एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया एक तो मार्केट में आपने पैनिक क्रिएट कर दिया है किसी चीज पे बैन लगना एकदम सडनली ये नहीं हो सकता एक पैनिक क्रिएट हो जाता है ठीक है कॉन्फिडेंस जो है कंज्यूमर का और जो मार्केट ऑपरेटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है यार ये क्यों हुआ सरकार ने ऐसे अब्रब डिसीजन क्यों लिया पहली बात तो ये दूसरी चीज यहाँ पे समझने वाली जो है वो ये है क्या इन डिसीजन से किसी प्रकार से फायदा हो रहा है यू आर बेनिफिटिंग द अर्बन कंज्यूमर बट एक तरफ से आप देखोगे तो आप जो फार्मर है उनका तो आप लॉस ही कर रहे हो तो उसके ऊपर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आई है तो चलिए इस रिपोर्ट को देखते हैं दोस्तों ठीक है कि किस प्रकार से आप फूड इन्फ्लेशन को टैकल कर सकते हो तो ये आपका टॉपिक है चलिए इसको देखते हैं दोस्तों क्या है देखो जीएस पेपर तीन से संबंधित है इंडियन इकॉनमी के अंदर आता है दोस्तों एग्रीकल्चर इन्फ्लेशन सब वहीं आता है तो अभी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक वो है fund, आ, फं है फंड फर्म ठीक है आईसीआर इन्होंने एक पेपर रिलीज किया है दोस्तों ठीक है किसके ऊपर में फूड इन्फ्लेशन के ऊपर कि भारत में फूड इन्फ्लेशन अभी वर्तमान में क्यों है और कैसी है और क्या क्या आप कदम उठा सकते हो सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है इस फूड इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए दोस्तों ठीक है क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके बारे में यहां पे बात की गई है वर्तमान का स्टेटस क्या है फूड इन्फ्लेशन का देख लेते हैं दोस्तों अभी इंडिया के अंदर जो रिटेल इन्फ्लेशन है अगस्त 2023 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अभी वो इन्फ्लेशन कितनी है आपका दोस्तों सिक्स और हमारे देश के अंदर में रिटेल इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन मतलब क्या है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा क्या है टारगेट दोस्तों ये दो से छः के बीच में रहनी चाहिए है ना इसी को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों वी नो इट एज अ इन्फ्लेशन टारगेटिंग हम इसको कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग ठीक है तो हमारे रेंज कितना है दो से छ आपको याद है फोर प्लस माइनस टू उर्जित पटेल कमेटी इन्फ्लेशन टारगेटिंग बताई थी तो लेकिन अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम छः होना चाहिए बट अभी कितना है दोस्तों सिक्स पॉइंट एट थ्री परसेंट चल रहा है दोस्तों तो हमारी जो डिजायर्ड सीलिंग है उससे ये क्या है ज्यादा है अभी ज्यादा क्यों है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इस ज्यादा होने का सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका है दोस्तों फूड एंड बेवरेजेस का जो हमारी खाद्य पदार्थ है उनका मूल्य अधिक होना ये सबसे ज्यादा इसके पीछे एक रीजन है आप है आप समझिए सीपीआई जो उसके अंदर सत्तावन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है सिर्फ फिफ्टी सेवन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे सीपीआई के अंदर में सिर्फ और सिर्फ किसका है फूड एंड बेवरेजेस का फूड इन्फ्लेशन जो है इट हैज राइजन शार्पली टू नाइन पॉइंट नाइन फोर परसेंट लगातार जो हमारे देश के अंदर फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ा है और समय समय पर ये फूड इन्फ्लेशन भारत के अंदर ज्यादा ही रहा है और इससे हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है यानी कि हमारी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहा है अब स्टेप क्या उठाए जाते हैं देखो स्टेप सरकार ने उठाया क्या अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट जो बैन था वीट के ऊपर उस पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया जो हमारे ब्रोकन राइस हैं टूटे हुए चावल हैं उनके ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया नॉन बासमती जो सफेद चावल होते हैं उनके ऊपर में बैन लगा दिया है ना दूसरा इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टॉकिंग लिमिट्स ऑन व्हीट ट्रेडर्स एंड मिलर्स भाई जो ऐसे लोग थे जो ट्रेड करते थे व्हीट के अंदर या जो मिल ओनर थे जो व्हीट को स्टॉक करके रखते थे एक बफर स्टॉक मेंटेन करते थे वो चावल का गेहूं का अपने पास है ना वो मेंटेन करके रखता था सरकार ने उस पर लिमिट लगा दी क्योंकि भाई देश के अंदर में शॉर्टेज आ रही थी प्राइस बढ़ रहा था तो सरकार को लग रहा था कोई होर्डिंग ना करे ज्यादा दिन तक रखे ना है ना होता है ना ऐसा जब किसी चीज का भाव बढ़ता है ना तो जो ट्रेडर होते हैं वो एक चीज को होल्ड करके रखते हैं ठीक है कि अच्छा और बढ़ेगा और बढ़ेगा तब बेचेंगे तो सरकार ने इस चीज को टैकल करने के लिए क्या कर दिया कि स्टॉकिंग लिमिट लगा दी है ना कि भैया वीट प्राइस जो है इसको इसके दा, 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 दाम बढ़ रहे हैं वीट के तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्टॉक लिमिट लगा दी इम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन पार बॉइल्ड और पार बॉइल्ड राइसेज एंड ऑनियंस तो इनके ऊपर में उन्होंने क्या कर दी एक्सपोर्ट अगर आप एक्सपोर्ट करोगे इन चीजों को तो आपको पैसा देना पड़ेगा ये सरकार ने अभी कदम उठाए हैं लेकिन क्या इनके इंपैक्ट आए हैं आपने देखो ये जो सरकार ने कदम उठाए हैं इनके क्या फायदे आए हैं तो मैं आपको बता दू दो दोस्तों कह रहा है इनसे कोई फायदे आए नहीं है जब से आपने वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है ना उसके बाद में कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन था पहले 9 परसेंट था बढ़ के पच्चीस परसेंट हो गया है फूड इन्फ्लेशन तो इससे कुछ खासा फर्क पड़ा नहीं है दूसरा ऐसे में मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है जब आप सडनली किसी चीज को एकदम बंद करते हो किसी चीज पर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हो ना तो इससे यार मार्केट में अनसर्टेनिटी और अनप्रोडिक्टिबिलिटी पैदा हो जाती है ठीक है लोग सोचते हैं जो भोगता है चाहे व्यापारी है वो सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है तो ऐसे में बाजार के अंदर में पूरी तरीके से आप अनिश्चितता पैदा कर रहे हो ठीक है अनसर्टेनिटी आप क्या कर रहे हो दोस्तों पैदा कर रहे हो इसके अलावा जो नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट बैन हमने किया था दोस्तों ठीक है उसका लिमिटेड इंपैक्ट आया इसका कोई ज्यादा हमें प्रभाव देखने को नहीं मिला है है ना इससे थोड़ी सी इन्फ्लेशन पहले तेरह परसेंट थी इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट हुई है थोड़ा रिड्यूस हुआ है दूसरा यार कंज्यूमर है वो पैनिक में आ जाता है नॉन बासमती राइस बैन अलाम लोकल एंड डायस्पोरा कंज्यूमर भारत के बाहर जो इंडियंस रहते हैं वो भी चावल खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडिया से जो चावल एक्सपोर्ट होता है वो विदेशी लोग खाते हैं हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ रहता है वो भी खाता है ना तो उनके अंदर में भी बेसिकली जो कंज्यूमर्स हैं उनके अंदर में एक पैनिक होता है उपभोक्ताओं में एक दहशत आ जाती है यार ये क्या मतलब है बै, बैन हो गया क्या मिलेगा हमें नहीं मिलेगा तो वो अनसर्टेनिटी यहां पैदा हो जाती है इसके बाद कह रहा है दोस्तों फार्मर्स जो हैं दे फेस्ड कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ रैपिड गवर्नमेंट मीजर यार इनका ना किसानों के ऊपर में भी सीधा प्रभाव आपको देखने को मिलता है ठीक है ये जो आप बैन लगा रहे हो ठीक है एक चीज तो आप सही कर रहे हो बैन लगाने से जो अर्बन कंज्यूमर है उनको तो फायदा हो रहा है उनके लिए थोड़ा प्राइस कम हो रहा है लेकिन अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो दोस्तों यू आर हर्टिंग द फार्मर फार्मरिंग आप किसानों की जो आय है इनकम है उसको हर्ट कर रहे हो इंपैक्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी हमारी जो विदेश फूड सिक्योरिटी है दुनिया की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी उसको आप हेम्पर्ड कर रहे हो दोस्तों है ना एंड हिट दी अफ्रीकन कंट्रीज मोस्ट और इससे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो अफ्रीकी देशों के ऊपर अफ्रीका अफ्रीका के देशों के ऊपर में यहां पे पड़ता है अब सर इसको कैसे हटाया जा सकता है कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं इसके लिए रिकमेंडेशन क्या क्या, क्या है तो समझिएगा सबसे पहले बात करते हैं इसमें शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन क्या है लघु अवधि की तो पहला क्या बोला कि यार आप ये प्रोटेक्टनिस्ट ये प्रोटेक्टिस्टी तो है कि देश के अंदर में भाव जो है वो बढ़े ना इसीलिए हमने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया तो एक किस्म का क्या है दोस्तों संरक्षणवादी व्यापार नीति हमारी तो कह रहा है यार ये जो संरक्षणवादी व्यापार नीति है ना इसके जगह आप कुछ और करो ठीक है आप क्या कर सकते हो वी कैन टेक कैलिब्रेटेड वी कैन मेक कैलिब्रेटेड ट्रेड पॉलिसी हमें इसके बजाय बहुत सोच समझ के चीजों को कंट्रोल में रखना चाहिए ठीक है ताकि चीज़ों का भाव जो है ना बढ़े द टाइमली रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी चलो ठीक है अगर आप मान के चलो आपके देश के अंदर में किसी चीज़ का भाव बढ़ रहा है तो आप उसको इम्पोर्ट भी तो कर सकते हो ठीक है ताकि चीज़ों का प्राइस कॉम्पिटिटिव रहे है ना भाई एक बात बताओ अगर आपके देश में सस्ती चीज़ें आने लग जाएंगी तो ऑटोमेटिक भाव कम हो जाएगा तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपको इंस्टेंट बैन लगाने के तहत में एकदम ये इस प्रकार के संरक्षवादी संरक्षणवादी कदम उठाने के बजाय आपको क्या करना चाहिए बढ़ती मुद्रास्पीति को नियंत्रित करने के लिए व्यापार नीति को कुशलतापूर्वक समायोजित करना जो है चाहिए हमें हमें जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी है है ना हमारी जो आयात कर जो हम लगाते हैं उनको टाइमली हमें रिड्यूस करना चाहिए समय समय पर दूसरा गवर्नमेंट शुड बिल्ड बफर स्टॉक फॉर वॉलेटाइल वेजिटेबल स्टेपल्स लाइक टॉप टॉप में टमाटो ऑनियन और पोटैटो आता है ये वो चीजें हैं जो हर सब्जी में इस्तेमाल होती है ठीक है तो सरकार कह रही है कि ये हम सरकार को कह रहे हैं ये ये कहता है कि सरकार को क्या करना चाहिए इनके लिए एक बफर स्टॉक मेंटेन करना चाहिए है ना बफर स्टॉक मेंटेन करना मतलब जब हार्वेस्ट सीजन होता है जिस सीजन में ये पैदा होते हैं उस समय एक स्टॉक इनका हमें बनाना चाहिए दोस्तों ठीक है इससे क्या होगा दोस्तों इससे कह रहा है कि फार्मर रियलाइज स्टेबल प्राइस इन द ग्लट पीरियड्स जब ज्यादा मार्केट में चीजें होती हैं बहुत ज्यादा है ना जब हार्वेस्ट हो रहा है जब जिस टाइम पे किसी चीज़ का पैदावार ज्यादा होती है उस टाइम पे किसानों को भी उसका अच्छा भाव मिलता नहीं है है ना उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो ये वही बोल रहा है कि यार ऐसे में यार फार्मर जो है ना हमारे किसान जो है उनको भी मदद मिलेगी क्या मदद मिलेगी उनको कि भाई उनका भी प्राइस जो है स्टेबल रहेगा उनको भी दिक्कत आएगी नहीं कल को क्योंकि प्राइस जो है वो क्या है दोस्तों स्टेबल है तो ऐसे में किसानों को भी इससे लाभ मिलेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो आप ऐसे टाइम पे बफर स्टॉक बफर स्टॉक में क्या करेगी सरकार चीज़ों खरीद के अपने पास रखेगी तो एक तो मार्केट में प्राइस जो है कम है लेकिन जब सरकार खरीदेगी तो मार्केट में प्राइस स्टेबल बना रहेगा ये तो, तो, तो शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म में पहला क्या कि अपनी ट्रेड पॉलिसी अच्छे से बनाओ दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी को कम करो ठीक है जिस टाइम पे भाव बढ़ रहा है उसी टाइम पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो तो विदेश से आप आयात कर लोगे चीजें मैनेज हो जाएगी इसके अलावा बफर स्टॉक मेंटेन करो यार जो अपने हार्वेस्ट सीजन है उसमें बफर स्टॉक बनाओ है ना ये सारी चीजें हमें करनी है दूसरा मीडियम टर्म प्लान क्या है दोस्तों मीडियम टर्म क्या है कि अपना प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करो रॉ मटेरियल सिर्फ टमाटर बेचने से बात नहीं बनेगी आप टमाटर की प्यूरी बनाओ ना ठीक है भाई जिस सीजन में आपके पास टमाटर बहुत ज़्यादा उग रहा है ठीक है तो उस एक्स्ट्रा टमाटर सड़ता है ना मंडी में ऐसे ही फेंक देते हैं हम ज़्यादा दिन तक तो टमाटर रुकेगा नहीं ऐसे ही पड़ा रहता है फेंक देते हैं तो उस टमाटर से क्या बनाओ टमाटर प्यूरी बनाओ ठीक है आप जब टमाटर प्यूरी उसे बनाओगे तो क्या होगा जिस समय पर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप ड्राई ओनियन को प्रमोट करो ठीक है कि जब हो अच्छी ऑनियन है ताजा सही है नहीं है तो ड्राइड ऑनियन जो है आप यूज करो तो ये चीजें की जा सकती हैं तो ये कि इसके लिए आपको अपना जो प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको मजबूत करना पड़ेगा द प्रमोशन ऑफ यूज ऑफ डिहाइड्रेटेड ऑनियन टोमेटो प्यूरीज दैट कैन बी वाइबल सब्सटीट्यूट फॉर कंज्यूमर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्राइस प्रेशर भाई जब आपके ऊपर प्राइस प्रेशर हो ठीक है जब फ्रेश प्रोड्यूस आपके पास उपलब्ध ना हो तो ऐसी अवस्था में क्या करो आप डिहाइड्रेटेड का यूज करो तो इसके लिए हमें अपना प्रोसेसिंग सेक्टर जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा दोस्तों प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो दोस्तों इनकी आप मदद ले सकते हो फार्मर कोऑपरेटिव सेक्टर जो है ये इसके अंदर में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले कर सकता है लॉन्ग टर्म में क्या करना है देखो लॉन्ग टर्म में तो भैया गवर्नमेंट को अपनी आर एनडी मजबूत करनी पड़ेगी क्यों भाई देखो देश के अंदर में प्राइज चीजों का भाव बढ़ना उसके पीछे कारण क्या होता है कि हो सकता है उन चीजों की पैदावार ही कम रही हो है ना तो ऐसे में सरकार को क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को आर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से आजकल देखो चैलेंजेस तो हैं यार चाहे वो चैलेंजेस हो भारत में एक्सट्रीम क्लाइमेट को लेकर एक्सट्रीम वेदर को लेकर कभी बारिश ज्यादा हो जाती है कभी सूखा पड़ जाता है तो इन चीज़ों से निपटने के लिए हमें करना पड़ेगा हमें ड्रॉट रजिस्टेंट जो है क्रॉप्स बनानी पड़ेंगी तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वी हैव टू इंक्रीज अवर इन्वेस्टमेंट इन आर एन डी सरकार को अपनी आर एन डी के अंदर निवेश बढ़ाना पड़ेगा टू कॉप विथ चैलेंजेस ऑफ ड्रॉट सूखा हो गया जैसे है ना उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों जो इरिगेशन कवरेज है हमारा उसको बढ़ाना पड़ेगा है ना सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ड्रिप इरीगेशन ठीक है ये सब हमें इंक्रीज़ करने पड़ेंगे है ना क्योंकि इससे क्या है एफिशिएंट वाटर यूज़ होता है अच्छा वाटर यूज़ होता है कम पानी में हम ज़्यादा चीज़ें बना पाते हैं अब आते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च उन मुद्दों के ऊपर जो आप ये देख सकते हो सरकार किसान की अच्छी कीमत पर ख़रीद ले किसान खुश अब सरकार उससे कम ज़्यादा जिस कीमत पर चाहे बेचे प्रॉब्लम सॉल्व ऐसा <laughs> नहीं होता है यार सरकार के पास में खुद का पैसा नहीं है भाई ठीक है सरकार भी जिस पैसे से खरीदती है वो पैसा हमारा ही है ठीक है आप ये मान के चलिए सरकार के पास खुद का कुछ नहीं है वो पैसा कहाँ से आ रहा है जो मिडिल क्लास कंज्यूमर है जो टैक्स आप भरते हो ना हर चीज़ को खरीदने पे उससे वो आता है जितना सरकार पे लोड पड़ेगा सरकार आप पे ही लोड डालेगी सरकार उतना ही टैक्सों को और बढ़ा देगी तो आप समझिए इससे सरकार का मेरा कुछ नहीं जाता इसमें तेरा घाटा वो वाली बात है अब समझिए दोस्तों ये एफपीओ क्या होता है है ना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मैं बोल रहा हूं जब से कोविड लगा है कोविड नाइनटीन लगा है तब से एफपीओ बड़े चर्चा में इनफैक्ट कोविड के समय पर एकमात्र भारत का सेक्टर ऐसा था जिसके अंदर ग्रोथ देखी गई थी वो एग्रीकल्चर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दी दिस एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होते हैं एफ उसके अलावा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है कितने टाइप की होती है हाइब्रिड एनडी मॉडल ये वो कई तरीके के होते हैं तो वो आपको करना है नितिन शेखर गुड मॉर्निंग कैसे इतनी लेट कैसे हो गए भाई हैं भाई नितिन इतना लेट कैसे हो गए आप गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है ठीक है देखो ये एक मेंस का सवाल है बहुत अच्छा सवाल बन रहा है आपका मैं बता रहा हूं आपको बहुत अच्छा टॉपिक है फूड इन्फ्लेशन जो कि हमारे देश में हर साल होता है आप बताइए दोस्तों कि इसको आप टैकल कैसे करेंगे ठीक है सिंपल बात मैं बोल रहा हूं तो इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म तीनों की बात यहां पे की गई है तो ये जो टॉपिक है ना ये प्री का नहीं है ये मेंस का ही है प्री से सवाल जो बनेगा ना वो भी डिस्क्रिप्टिव बनेगा एक्सप्लेन वाले टाइप के बनेगा कि क्या बैन लगाना ठीक है बैन नहीं लगाएं तो क्या कर सकते हैं दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्ट फ्रॉम हियर ठीक है अच्छा अच्छा टॉपिक था अच्छा टॉपिक था दोस्तों यहाँ से तो एक क्वेश्चन भी आया हुआ देखो यूपीएससी सी एस के अंदर यहाँ से तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे सवाल बन सकते हैं इन इंडिया विच वन ऑफ दिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन भारत में कौन जिम्मेदार है प्राइस को मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और प्राइस को मेंटेन करना तो नंबर वन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका जवाब वैसे बहुत आसान है कानपुर जाना पड़ा मम्मी के साथ हॉस्पिटल चलो कोई बात नहीं आराम से पहले मम्मी का ध्यान रखो ठीक है मम्मी का ध्यान रखना ज़रूरी है चीज़ें कोई बात नहीं एक दो दिन आगे पीछे चलती रहती है ठीक है कोई बड़ा एक दिन नहीं हुआ करंट अफेयर दो दिन नहीं हुआ आपसे मान लो तीन दिन नहीं पढ़ पाए तो कोई ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया ठीक है एक चीज़ें सीखो ठीक है जिंदगी में एक चीज़ सीखो जो काम छूट गया उसको छोड़ दो वहाँ पर लाइन खींच के नया स्टार्ट करने स्टार्ट कर दो ये बैकलॉग अगर रख के चले ना आप ठीक है आपके ऊपर पे कमर पे या आपने जीवन में बोझ अगर लेके चले कि यार ओ शिट ये तो हुआ नहीं अब क्या करूँ वो बैकलॉग मत रखो यार ठीक है आगे बढ़ना सीखो जिंदगी में ना इससे आगे आओ वो हो गया सो हो गया खत्म करो उस पर उस पर लाइन खींच दो कि यार चलो ठीक है जो अब तक नहीं हुआ ये मैंने लाइन खींच दी अब यहाँ से नया काम करूंगा मैं ठीक है आज से करो पीछे का जिसका जो छूट गया छूटने दो कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर आप करंट अफेयर तो एक साल डेढ़ साल का आता रहे कोई बात नहीं बाढ़ में गया वो वो नहीं होगा उसके बदले में तुम आगे का भी नहीं कर पाओगे दिमाग खराब रहता है ना तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मत करो ठीक है इसका जवाब क्या है दोस्तों डी इसका जवाब क्या है डी यहां से एक सवाल मैं भी रख देता हूं वट रोल डू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट प्ले इन एड्रेसिंग द पोटेंशियल एग्जबरेटिंग फूड इन्फ्लेशन इन टूडेज ग्लोबलाइज फूड सप्लाई चेन आप समझिए आज ऐसा तो है ना कि भारत अकेला मतलब देश है देखो आज हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर ठीक है वैश्वीकरण हो रखा है जहां पर एक देश और दूसरे देश के साथ में कनेक्टेड है ऐसे में यार आप बताइएगा आज के इस प्रकार के वैश्वीकृत जो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के अंदर जो ये अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं या अलग अलग सरकारें इस प्रकार की पॉलिसी बनाती हैं तो कह रहे कि इससे फूड इन्फ्लेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है किस प्रकार से जो हमारी ग्लोबलाइज्ड फूड सप्लाई चेन है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है ये आपसे बात पूछ रहा है दोस्तों मेन स्पेसिफिक में बहुत अच्छा सवाल है आप इसके ऊपर सोच सकते हो अगला टॉपिक है दोस्तों छ हजार ये क्या है एक सबमर्सिबल बनाया हमने ठीक है समुद्रयान जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके तहत में हमने एक बनाया दिख रहा है आपको ये समरसिवल से क्या होगा देखो ये इसकी जो बाहर की सतह है टाइटेनियम अलॉय से बनी हुई है टाइटेनियम अलॉय से बनी हुई है और ये जो सी लेवल पे जो प्रेशर होता है ठीक है उस प्रेशर का 600 गुना ज्यादा प्रेशर ये सहन कर सकता है समुद्र में आप जैसे जाते हो ना दोस्तों देखो समुद्र के अंदर में कितना पानी है तो जितना आप नीचे जाओगे दोस्तों उतना प्रेशर बढ़ता जाता है ठीक है तो उसके लिए उस प्रेशर को झेलने के लिए आपको स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट बनने पड़ बनाने पड़ते हैं छ हजार इसका नाम मत्स्य छ हजार क्यों है मत्स्य मतलब मछली छ हजार मतलब ये छह हजार मीटर तक धरती के अंदर सॉरी समुद्र के अंदर में जा सकता है सिक्स हंड्रेड ये मीटर तक ही जा सकता है मतलब लगभग छह किलोमीटर तक अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो दोस्तों हम दुनिया के छठे ऐसे देश हैं पांच ही देश ऐसा है जो कर पाए हैं वी विल बी द दिक्कत नेशन टू डू सो है ना तो ये डेवलप किसने किया यह आई टी चेन्नई चेन्नई ने किया बेसिकली समुद्रयान मत्स्य छ हजार ब्लू इकोनोमी एंड मोर वट वी विल नो सो फार अबाउट इंडियाज डीप सी मिशन हम क्या जानते हैं तो दोस्तों जीएस पेपर दो गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर इंडिया जो है इज नाउ सेट टू लॉन्च समुद्रिया हम समुद्रिया लॉन्च करने को रेडी हो गए हैं दोस्तों है ना इन्वॉल्विंग फर्स्ट मैन समरसिवल जिसको मत्स्य छे हजार बोल रहे हैं इट विल बी डिसेंड्स डिस हजार मीटर ये छह हजार मीटर तक जाएगा दोस्तों नीचे बंगाल की खाड़ी के अंदर में और तीन आदमी लेके जाएगा और वो नीचे जाके रिसर्च करेंगे ठीक है वो नीचे जाके क्या करेंगे दोस्तों रिसर्च करेंगे डीप सी रिसोर्सेज हमारे बायोडाइवर्सिटी का वो प्रॉपर असेसमेंट करेंगे आप समझ रहे हो मेरी बात दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे सारे बच्चों से प्लीज यार एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे एक बार सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है गाइस प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें सो so, इंडिया जो है कह रहा है कि अब समुद्रयान लॉन्च करने वाला है और ये हमारा पहला मैन सबमर्सिबल समरसीबल मतलब क्या होता है पंडुब्बी है ना एक पंडुबी हमने बनाई है और ये पहला ऐसी पंडुब्बी हमने बनाई है जो 6000 मीटर तक जाएगी और इसके अंदर में आदमी बैठे होंगे तीन क्रू मेंबर एक बार सारे लोग यार प्लीज लाइक कर दो इसमें कितने आदमी होंगे दोस्तों तीन आदमी होंगे तो ये मैन मिशन होगा और हम डीप सी रिसर्च इसके माध्यम से करेंगे मत्स्य छ हजार क्या है ये ह्यूमन ऑपरेटेड एक मिशन है ह्यूमन ऑपरेटेड होगा समुद्र के नीचे जाके हमारे जो वेसल्स हैं उसमें जाएंगे हम ये जो बनाया किसने बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी एनआईटी चेन्नई ने दोस्तों इसको बनाया है इट वॉज अ पार्ट ऑफ समुद्रियान मिशन इसको समुद्रियान मिशन के तहत में बनाया गया है टू असिस्ट पीपल इन इन द द डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल इसे गहरे समुद्र में लोगों को खनिज संसाधनों की खोज में सहायता करने के लिए समुद्रियान मिशन के हिस्से के रूप में इसको डिजाइन किया गया है दिस अचीवमेंट वुड डिस्टिंग इंडिया एज वन ऑफ दी ओनली सिक्स नेशन ये भारत को यार छह देशों के अंदर में एक रख रहा है मैंने बताया इससे पहले यूएस रशिया जापान फ्रांस और चाइना यही पांच देश है जो ऐसा कर पाए इंडिया विल बी द ठीक है जो ऐसा कर पाएगा इसमें हम क्या कर रहे हैं दोस्तों पांच हजार मीटर गहराई पर जाकर हम अपनी रिसर्च यहां पर कंडक्ट करेंगे ठीक है मत्स्य मतलब छह हजार जो है ये एक सबमर्सिबल है दोस्तों इसका एंडोरेंस बारह घंटे का मतलब आप एक बार इसको लेके जाओगे ये समुद्र के नीचे 12 घंटे रह सकता है नॉर्मल सरकम में मान लो कुछ इमरजेंसी आ गई फंस गए तो उस केस में 96 सिक्स आवर तक इमरजेंसी के केस में छियानवे घंटे तक ये यहां पर रह सकता है दोस्तों इन केस ऑफ इमरजेंसी और यह छियानवे घंटे का क्यों है टाइम फॉर द ह्यूमन सेफ्टी आप मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों बताया तो मैंने अभी अभी बताया ना यहां पे देखो यूएस रशिया जापान फ्रांस और चाइना इनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है पांच हजार मीटर से नीचे की गहराई पे जा सकते हैं समरसिवल मैन है ना भारत छटा हो गया अब इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं से बना हुआ है दोस्तों, और इसी से ये जो समुद्र की सतह पर जो आपका जो सी प्रेशर होता है उसे छो गुना ज्यादा प्रेशर जो है ये क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है बात समझते हैं रोल क्या है समरसिवल का इसकी भूमिका समझिए समर सीवल जो है ना ये इट विल फैसिलिटेड आप नीचे जा पाओगे तो आप नीचे से क्या कोई अपने मामा थोड़ी ना रहते नीचे जा रहे हैं हम उससे मिलने जा रहे हैं ठीक है थेके? मैं आपको बता दूं इससे जो समुद्र के अंदर में रिसोर्स हैं समुद्र के डीप सी रिसोर्स जिनको हम बोलते हैं हमारे समुद्र में कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं खनिज पाए जाते हैं विच आर रिच इन निकल कोबाल्ट और बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल जो हैं उनकी अधिकता होती है तो हम उनको जांच पाएंगे ठीक है दूसरी बात इट विल ऑल्सो इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ सैंपल अब हम नीचे जा ही रहे हैं तो वहाँ से हम सैंपल कलेक्ट कर पाएंगे और उनको ऊपर ला के फिर हम एनालाइज करेंगे है ना द मिशन विल लीड टू फर्दर एफर्ट इन अंडर वाटर इंजीनियरिंग इनोवेशन इन असैट इंस्पेक्शन टूरिज्म एंड द प्रमोशन ऑफ ओशन लिटरेसी ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी टूरिज्म बढ़ेगा इससे है ना अभी वो गए तो थे टाइटेनिक को देखने पंडुब्बी में टाइटेनिक नाम ही मानूस है टाइटेनिक जहाज बनाया था किसके लिए दोस्तों टाइटेनिक ऐसा जहाज़ बनाया गया जो दुनिया मतलब जिंदगी में कभी डूबेगा नहीं वो अपनी पहली यात्रा पर ही डूब गया टाइटेनिक को देखने के लिए एक पंडुब्बी का नहीं थी जिसमें दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग जो है बैठ के जाने वाले थे देखने उसको वो भी अपनी पहली यात्रा के अंदर में वो भी ख़त्म खल्लास ठीक है तो ये टाइटेनिक का तो नाम ही मतलब बदनाम है नाम ही खराब है अब इसका महत्व तो क्या है सर सिग्निफिकेंस क्या है ये जो हमारा मिशन है समुद्रयान देखो ये जो मिशन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है ब्लू इकोनमी जो उनका विजन है ब्लू इकोनमी उसके तहत इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है इट इन विज सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ ओशन रिसोर्सेज उद्देश्य क्या है कि जो समुद्र के रिसोर्सेज हैं हम उनका एक अच्छे तरीके से सस्टेनेबल इस्तेमाल करें फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री हम इसे जॉब क्रिएट करें लाइवलीहुड इंप्रूव करें एंड प्रिजर्व हेल्थ ऑफ द ओशन इको सिस्टम और जो हमारा ओशन इको सिस्टम है उसकी हेल्थ को अच्छे से प्रिजर्व करें यह हमारा उद्देश्य था डीप सी ओशन मिशन हमने स्टार्ट किया था कब दोस्तों हमने जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया था दोस्तों और इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस डीप ओशन मिशन जिसके तहत हम ये सबमर्सिबल बना के मत्स्य चार छह हजार हमने बना के भेजा है इसके लिए टोटल बजट जो था वो कितना दिया गया था दोस्तों चार करोड़ का पांच साल के लिए इतना बजट जो है इस प्रोग्राम को डीप सी और डीप ओशन मिशन को दिया गया था दोस्तों ये एक मल्टी मिनिस्ट्रियल मिशन है मतलब इसमें कई प्रकार के मंत्रालय शामिल है दोस्तों ठीक है इसमें कई सारे मंत्रालय जो है शामिल हैं यह जो मिशन है इट विल गिव अ बूस्ट टू एफर्ट टू एक्सप्लोर इंडियाज वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत का अगर आप देखोगे ठीक है ये देखो इंडिया का जो ऐसा शेप है इसकी वजह से इंडियन ओशन में हमें डोमिनेंट पोजिशन मिलती है तो भारत का बहुत सारा वास्ट ट्वेंटी नोटिकल माइल से लेकर दो नॉटिकल माइल तक इंडिया का क्या होता है दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे है ना हम समुद्री रिसोर्स जो है उनको अपने को एक्सप्लोर कर पाएंगे उनको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे तो ये इसका एक खास बात है दोस्तों ठीक है अब यहां से दोस्तों एक एक प्रोजेक्ट 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 है है सागरमाला सागरमाला अब देखो दो क्या दोस्तों कि जो हमारे बंदरगाह है उसको किस प्रकार से जो इनलैंड में हमारे ट्रांसपोर्टेशन मोड है उससे जोड़ना उसके लिए एक प्रोग्राम है सागरमाला एक प्रोग्राम है भारत देश के अंदर में ब्रिज बनाना ठीक है जैसे रेलवे लाइन है तो यूजअली इस फाटक पर रुकते हो ना तो ये कह रहा है कि फाटक पे नहीं रुकना पड़े या तो नीचे से बनाओ उसको या ऊपर से बनाओ तो वो भी सागरमाला के अंदर ही आती है एक आ रहा है डीप सी माइनिंग दोस्तों और एक आ रहा है आपका ओशियन ऑफ इंटरेस्ट ये तीन चीजें हैं ये क्या है ये आपको समझ के मुझे बतानी है आगे बढ़ते हैं प्रिलिम्स के अंदर में दोस्तों मत्स्य छः क्या है इसका रोल क्या है इसमें क्या क्या चीजें हैं ये मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है ठीक है ये सारी बातें दोस्तों आपसे पूछी जा सकती हैं बात करते हैं दोस्तों मेंस स्पेसिफिक मेंस के लिए सर एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं आप थोड़ा इसको देखिएगा मेंस का क्वेश्चन है क्या है एक बार इस पर थोड़ा सा नजर हम जमाते हैं ठीक है एक बार इसको देखते हैं थोड़ी सी इस पर नजर जमाते हैं दोस्तों क्या है क्या नहीं है वट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट साइंटिफिक गोल ऑफ इंडियाज डीप सी मिशन एंड हाउ डज इट एम्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डी पोशन एन्वायरमेंट भारत के गहरे महासागर मिशन के प्राथमिक उद्देश्य और वैज्ञानिक लक्ष्य क्या है इसका गहरे समुद्र के पर्यावरण की हमारी समझ में योगदान करने का लक्ष्य कैसे है ठीक है कैसे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है डीप ओशन मिशन की उसके अंदर किस प्रकार से चार चांद जोड़ेगा यह आपको बताना है अगली बात करते हैं दोस्तों अगली बात है श्रेयस स्कीम के बारे में दोस्तों श्रेयस स्कीम का फुल फॉर्म क्या है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रिंटिसिप एंड स्किल्स जो हमारे देश के अंदर में एस सी और ओ के स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए चला गया है ये ताकि उनको पढ़ाई हो उनकी बारहवीं के बाद अच्छी पढ़ाई हो ठीक है उनको स्कॉलरशिप मिले बाहर देश में जाके वो पी करना चाहते हैं उसमें स्कॉलरशिप मिले भारत में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको अच्छी कोचिंग मिले उसके लिए स्कीम है दोस्तों स्कीम का नाम है श्रेय स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिस एंड स्किल इसके अंदर में चार अलग अलग प्रोग्राम हैं तो चलिए उस पर बात करते हैं श्रेय स्कीम एम्पावर थाउजेंड्स ओवर तेईस हजार स्टूडेंट्स जो हैं तेईस हजार करोड़ रुपए जो है इसके लिए अलॉट किए गए हैं एस सी के स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों 2014 के बाद में तो चलिए इसको पढ़ते हैं क्या है तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है मैंने बताया मतलब क्या है? इसके अंडर में बहुत सारी स्कीम है इसको लागू किया गया था 2014-15 के अंदर और 2022-23 तक ये स्कीम लागू रहने वाली है मैं आपको बता दू इसके लिए टोटल बजट जो दिया गया है वो दिया गया है एक करोड़ रुपए का है ना और इससे कह रहा है कुल मिला के लोग जो हैं वो इससे बेनिफिट हो भी चुके हैं मतलब उनको इनसे फायदा हो चुका है ये रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है ठीक है अब मैंने बताया श्रेय अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है बड़ी स्कीम ठीक है और और इसके अंडर में चार और स्कीम है। वो चार स्कीम स्कीम है है वो कौन सी है, दोस्तों बताया? ये सारी की सारी स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है सारा का सारा पैसा कौन दे रहा है फंडिंग कहां से हो रही है ठीक है फंडिंग हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग हो रही है दोस्तों आपकी यूनियन गवर्नमेंट से ठीक है ये जो स्कीम है दोस्तों मैंने आपको बताया इसमें चार स्कीम है पहली स्कीम कौन सी है दोस्तों चार सब स्कीम आती हैं दोस्तों पहली है टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एससी पहला दूसरा फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी दूसरा तीसरा नेशनल ओवरसी स्कीम फॉर एससी एंड चौथा क्या है दोस्तों नेशनल फेलोशिप फॉर एस शेड्यूल कास्ट एक एक करके पढ़ते हैं पहला पढ़ते हैं फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एस एंड ओबीसी नाम से ही समझ गए होंगे आप भाई ऐसे लोग जो एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं ठीक है आर्थिक रूप से इतनी समृद्ध नहीं है सरकारी नौकरी की या किसी और प्रकार की प्राइवेट नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको कोचिंग लेनी पड़ती है उस कोचिंग को अफोर्डेबल बनाने के लिए सरकार कह रही है कि भैया आपको फ्री कोचिंग हम देंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अब द स्कीम क्या है दोस्तों गुड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की कोचिंग प्रोवाइड करना एस सी और ओ बी सी के कैंडिडेट्स को शेड्यूल कास्ट और ओ बी सी के कैंडिडेट्स को ये इसका उद्देश्य है दोस्तों ताकि वो क्या कर सके दोस्तों वो पब्लिक जॉब और जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है वो कर सके ठीक है किसी भी रेप्यूटेटेड टेक्निकल और प्रोफेशनल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है भाई ऐसे परिवार जिनकी जो एनुअल इनकम है वो आठ लाख रुपए से कम है वो इसके अंदर में दोस्तों कवर है इसमें तीन स्लॉट जो है हर साल बुक किए जाते हैं पैंतीस स्लॉट कि सरकार जो है पैंतीस लोगों को पैंतीसो बच्चे जो एस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको फ्री में कोचिंग दिलवाएगी रेशियो क्या होता है मैं आपको बता दूं एस और ओबीसी का वो होता है सत्तर परसेंट तो एस से जाएंगे और तीस परसेंट ओबीसी से जाएंगे ठीक है बट मान लो कई बार सत्तर परसेंट का स्लॉट पूरा ना हो पाए सत्तर परसेंट जो है एस वाले बच्चे ना हो तो ऐसी अवस्था में उसको चेंज किया जा सकता है ठीक है लेकिन किसी भी हाल में फिफ्टी फिफ्टी तो रहेगा ही रहेगा ठीक है एससी को आप पचास से कम नहीं कर सकते हो बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा साथ साथ टोटल में स्लॉट जो है वो वो किसके लिए लिए होने चाहिए चाहिए 30% जो है लड़कियों के यहां पे होना चाहिए। पहली दूसरा टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एस सी स्कीम के अंदर क्या है दोस्तों हम बस क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं किसके लिए दोस्तों शेड्यूल कास्ट वाले बच्चों के लिए हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं इसका उद्देश्य क्या है कि बारहवीं क्लास के बाद बारहवीं कक्षा के बाद वो पढ़ाई करे एस वाला बच्चा जो है वो पढ़ाई करे वो हायर स्टडीज के लिए जाए द स्कॉलरशिप वंस अवार्डिड विल कंटिन्यू टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स सब्जेक्टेड टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट बारहवीं के बाद में आपको स्कॉलरशिप मिल गई वो कंटिन्यू रहेगी कब तक जब तक आपका पढ़ाई में आउटकम अच्छा है अब ऐसा नहीं कि तुम स्कॉलरशिप ले लो उसके बाद तुम पढ़ ही नहीं रहे हो तुम जा ही नहीं रहे हो तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब है ऐसा नहीं है परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए इसके लिए भी आठ लाख रुपए पर एन की सीलिंग है कि जिनकी सैलरी जिनके परिवार की सैलरी आठ लाख रुपए इससे कम है वो स्कीम के तहत में एलिजिबल है है ना अंडर द स्कीम फुल ट्यूशन फीस में पूरी जो ट्यूशन फीस है वो और नॉन रिफंडेबल चार्ज जो होते हैं दोस्तों जो दो लाख रुपए तक के होते हैं दोस्तों ठीक है वो रिफंड हो जाते हैं यहाँ पे एकेडमिक अलाउंस जो होता है छियासी हजार रुपए का फर्स्ट ईयर में ऑफ़ द स्टडी एंड इकतालीस हज़ार हर बाद में पहले साल में छियास हज़ार और बाद में इकतालीस इकतालीस हज़ार रुपये वो आपको वापस मिल जाएंगे ठीक है साथ साथ आपके रहने का उसका भी सरकार जो है वो बंदोबस्त करेगी फिर आता है नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर एस सी अब मान लो कोई एस सी से बिलोंग करता है शेड्यूल कास्ट से और वो बाहर जाकर मास्टर और पी एच डी करना चाहता है तो कर सकता है सरकार उसको असिस्ट, असिस्ट करेगी सरकार उसको फाइनेंशियल तौर पर मदद करेगी तो कोई भी एस सी शेड्यूल कास्ट का लड़का शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है कोई भी व्यक्ति तो वो बाहर जाकर स्टडीज कर सकता है ठीक है पी और मास्टर जो है मास्टर्स अपनी परस्यू कर सकता है दोस्तों अभी इसके लिए 125 स्लॉट जो है वो इस स्कीम के तहत में बुक किए गए अंडर द स्कीम 125 स्लॉट्स आर देयर जो बुक किए गए हैं सच स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट अंडर द स्कीम हुज टोटल फैमिली इनकम जो है वो कितनी है दोस्तों लेस देन आठ लाख पर एन एम आप मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों ठीक है और सिक्सटी परसेंट मार्क्स जो है इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होने चाहिए उन्हीं को सपोर्ट मिलेगा पैंतीस साल से कम की उम्र होनी चाहिए दोस्तों एंड सिक्योर एडमिशन इन टॉप फाइव हंड्रेड क्यू एस रैंकिंग फॉरन इंस्टीट्यूट और तभी मदद दी जाएगी जब दुनिया के जो क्यू एस रैंकिंग है ना उसके अंदर आप टॉप फाइव पाँच सौ इंस्टीट्यूट में आते हैं तो ही सरकार आपको इसके अंदर में सपोर्ट करेगी इस स्कीम के तहत में जो टोटल ट्यूशन फीस है आपकी मेंटेनेंस फीस कंटीजेंसी अलावेंस वीज़ा फीस ठीक है आपका यहां से जाने का और आने का खर्चा सब का सब जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है ठीक है इसके बाद है नेशनल फेलोशिप फॉर एसी स्टूडेंट अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप इसमें क्या है दोस्तों मैं बता दूं आपको अंडर दिस स्कीम फेलोशिप इज प्रोवाइडेड टू शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट के लिए फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है परसुइंग हायर एजुकेशन लीडिंग टू एम फिल पी डिग्री इन साइंस ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस इंडियन यूनिवर्सिटीज ठीक है कहीं पर भी आप समझ रहे हो ये सारी ऑप्शन आपके पास है यहां पर स्कीम के अंदर में दो नए स्लॉट हर साल खोले जाते हैं पांच साइंस स्ट्रीम के लिए और पंद्रह सो ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के लिए और सोशल साइंस के लिए किए जाते हैं ठीक है हु हैज बीन दी क्वालिफाइड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप एनईटी जे आर एफ और यूजीसी एंड जूनियर रिसर्च फेलोज फॉर साइंस स्ट्रीम क्वालिफाइंग यूजीसी काउंसिल और साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च देखो अब ये इतना बड़ा हो गया है बट आपको बस मेन चीज ध्यान क्या रखनी है ये तो मुझे पढ़ाना था मुझे सारे बताने थे आपको यार प्रिलिम्स के लिए इतना ध्यान रखना है श्रेय स्कीम है ये है क्या और इसके तहत में कौन कौन सी चार स्कीम जो है वो आपकी आती है दिस कैन बी द क्वेश्चन ये आपका सवाल बन सकता है प्री के अंदर में ठीक है और बस मेंस के लिए आपको भी याद रखना है कि भाई जो गरीब तबका है जो आपके वल्नरेबल पॉपुलेशन है हमारी उसके लिए सरकार किस प्रकार के कदम उठा रही है तो आप श्रेय स्कीम का नाम वहाँ पे रख सकते हो अगला जो टॉपिक है ये है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जी ई आपको गोल्ड एक्सचेंज ई टी बोलते हैं गोल्ड ई बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं दोस्तों गोल्ड ई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का नाम हम इनको देते हैं तो अभी अगर देखोगे तो कह रहा है इनफ्लो इन गोल्ड ई टी हिट सिक्सटीन मंथ हाई ठीक है सोलह महीने में सबसे ज्यादा गोल्ड ई के अंदर पैसा आया एक ये क्या होते हैं देखो यार गोल्ड ई टी मतलब एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड सिंपल आप समझिए किसी वस्तु के बिहाब पर जो ट्रेड होता है उसको हम जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना ऐसे ही होता है इसमें क्या कर रहे हैं आपको फिजिकल गोल्ड और या बुलियन रखने की जरूरत नहीं है आपके पास ये रहेगा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहेगा देखो गोल्ड में लोग क्यों पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक तो सिक्योरिटी रहती है कि भाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा थोड़ा बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा और ज़्यादा मगजमारी नहीं होती किचकिच नहीं होती ठीक है सिंपल समझ में आता है आपने सोना खरीद के रख लिया जब उसका भाव बढ़ेगा तो आपके सोने का भाव बढ़ेगा हम ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई लोग ऐसी बुलियन रख लेते हैं या कई लोग ज्वेलरी के रूप में उसको खरीद के अपने पास रख लेते हैं बट इससे यार देश में दिख प्रॉब्लम क्या होती है भारत में सोना है नहीं हमें वो सोना आयात करना पड़ता है इससे करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो बढ़ जाता है इससे निपटने के लिए सरकार ने कई सारी स्कीम चलाई है जिसमें सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक है और दूसरी जो है ये स्कीम आ रही है ठीक है ई गोल्ड ई इसमें क्या है कि जो व्यक्ति गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं जो व्यक्ति गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं उनको फिजिकल गोल्ड खरीद के अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है वो इन गोल्ड के अंदर गोल्ड के ई में इन्वेस्ट कर सकते हैं इससे फ़ायदा दो है उनको एक तो इन्वेस्टमेंट हो गया दूसरा क्या है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है ठीक है गोल्ड में तो फ्लक्चुएशन नहीं होगा एक फिक्स रिटर्न भी मिल रहा है ठीक है सोने पे सुहागा और तीसरी बात क्या है देखो गोल्ड फिजिकल गोल्ड आपके घर में चोरी करके कोई चोर ले।, ले लेकिन इसमें वो सब नहीं होता तो ये देखिएगा इस बार कह रहा है कि इसमें इनफ्लो जो है गोल्ड ई में वो रिकॉर्ड लेवल पे रहा है गोल्ड ईटीएफ जो है इसमें एक हजार अट्ठाईस करोड़ आए अगस्त के अंदर में पिछले सोलह महीने में हाईएस्ट इनफ्लो रहा है दोस्तों गोल्ड एक्सचेंज फंड के बारे में बात करें द गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिड फंड गोल्ड ईटीएफ जो है दे आर पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट आर बेस्ड ऑन गोल्ड प्राइज एंड इन्वेस्ट इन द गोल्ड बुलियन हम इसमें क्या करते हैं गोल्ड प्राइस में इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड बुलियन में हम इन्वेस्ट करते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों उद्देश्य ही होता है भारत देश के अंदर में जो डोमेस्टिक जो गोल्ड प्राइस है उसके आधार पर आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिया जाए और साथ साथ में यार आपको फिजिकल गोल्ड भी ना रखना चाहे ठीक है जो ई की गोल्ड ई की जो यूनिट होती है ना उसका जो सिस्टम होता है या तो पेपर फॉर्म में दी जाती है या डी फॉर्म में आपके आपके पास अकाउंट होता है ना डिजिटल फॉर्म में डिजिटल डी बोलते हैं उसको डी अकाउंट में आपको दी जाती है एक गोल्ड ई जो है इसकी वैल्यू एक ग्राम गोल्ड के बराबर होती है एक गोल्ड ई मतलब एक ग्राम गोल्ड ठीक है अब आपने एक गोल्ड ई खरीद लिया और एक ग्राम गोल्ड अब एक ग्राम गोल्ड के भाव बढ़ेंगे तो आपके जो एक गोल्ड ई है उसका भी भाव बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो इसमें दोनों काम हो रहे हैं पहला जो स्टॉक मार्केट वाली फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी आपको मिल रही है आप जब चाहो बेच दो यार सुनार क्या करेगा आपका गहना है तो उसमें तोड़ मतोड़ करेगा बनाते टाइम भी काटेगा और बेचते टाइम भी काटेगा उसमें है ना तो यहां पर वो चीज नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास स्टॉक मार्केट की और गोल्ड की जो सिंप्लिसिटी है वो दोनों यहां पे कंबाइंड होके आपके पास आ रही है इसका महत्व तो क्या है दोस्तों ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है दोस्तों बिल्कुल ईटीएफ आप रखोगे बहुत आसान होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है गोल्ड के जो ईटीएफ है दे हैव मच लोअर एक्सपेंसिज एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर में एक्सपेंसिस आपके खर्चे ज्यादा होते हैं इसमें एक्सपेंसिस आपके खर्चे जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है इसके ऊपर कोई वेल्थ टैक्स नहीं लगता कोई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं लगता कोई वैल्यू एडिट टैक्स नहीं लगता कोई सेल्स टैक्स नहीं लगता ई के ऊपर है ना ये फ़ायदा है हमारे पास अच्छा चोरी का भी कोई खतरा नहीं है रखे हुए हैं ये तो डी अकाउंट में है क्या चुराएगा कोई है ना ये फ़ायदा है अब समझिए ई होते क्या है वट आर वट इज़ एन एक्सचेंज ट्रेडिट फंड तो एक्सचेंज क्रेडिट फंड जो होते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे इक्विटीज़ और बॉन्ड जो हमारी इक्विटीज और बॉन्ड है उनका एक कलेक्शन होता है इट इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटी दैट ट्रेड्स ऑन एन एक्सचेंज जस्ट लाइक अ स्टॉक ठीक है जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ऐसे ही सेम उसी प्रकार से पूरा फंडा है इट कैन कंटेन ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक कमोडिटी और बॉन्ड इसमें सभी प्रकार का जो है निवेश शामिल है दे हैव चीपर फीस देन दी अदर टाइप ऑफ फंड बाकी जो फंड है अन्य प्रकार के जो फंड है उसकी तुलना में इसकी फीस कम होती है दीज फंड हैव मच लोअर एक्सपेंसिस एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो हमारी फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उससे कम यहां पर खर्चा हमारा पड़ता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन सजग ठीक है तो हमारा ऑपरेशन सजग क्या है दोस्तों देखो हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है उस पर ड्रिल की है हमने हमारा जो पश्चिमी तट है समुद्री तट जो है यहां पर यहां पर हमने ड्रिल की है ठीक है ताकि सिक्योरिटी यहां पर हम इंश्योर कर सके कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल समुद्री तटीय सिक्योरिटी ड्रिल है नाम है इसका ऑपरेशन सजग ये हमने अभी कंडक्ट की है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलके हमारे वेस्ट कोस्ट के ऊपर ऑपरेशन सजग जो है इट वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड अलॉन्ग विदोंग दी वेस्ट कोस्ट रिसेंटली हाल ही में भारतीय तटरक्षक द्वारा पश्चिमी तट पर ऑपरेशन सजग जो है इसको चलाया गया है ऑपरेशन सजग की बात करें तो एक ड्रिल है विच इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट तो तटीय सुरक्षा के अंदर में जितने भी हितधारक हैं वो सारे के सारे शामिल हैं ये जो ड्रिल है पुनर्वैधिकरण वै, पुनर की सुविधा प्रदान करता है मतलब हमें बेसिकली बताता है कि जो हमारी कोस्टल सिक्योरिटी है वो कितनी मजबूत है ठीक है फिशरमैन जो है उनमें भी अवेयरनेस जनरेट करेगा कुल मिलाकर एक शिप्स हैं जिसने इस बार इसमें भाग लिया है दोस्तों ये सिर्फ कस्टम की है मरीन पुलिस की है पोर्ट नेवी सब लोगों ने इस ड्रिल के अंदर में पार्टिसिपेट किया है दोस्तों समझ में आ रही बात दोस्तों तो उद्देश्य आप समझ गए हैं क्या इसका इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन कोस्टल सिक्योरिटी कुछ जो और नए मिक्जर जो है वो भी लिए गए हैं बिसाइड मॉनिटरिंग आइलैंड सिक्योरिटी कम्युनिटी इंटरसेप्शन इंट्रैक्शन प्रोग्राम हैज ऑल्सो बीन इंस्टीट्यूशनलाइज अंडर द कोस्टल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट ठीक है एक दिन लंबी ड्रिल चली है दोस्तों ये सारी बात है आप एक बार देख लेना अभी पी मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा अगला है दोस्तों धनुष ये जो गन है ना ठीक है धनुष जैसी है ना तो इसको नाम दिया गया धनुष गन तो इसके ऊपर टॉपिक आया क्या आर्मी लाइकली टू कंप्लीट इंडक्टिंग 114 धनुष गन बाय 2026 तो कहा जा रहा है कि जो ये धनुष गन है तो आर्मी कह रहे हैं कि भाई 2026 तक हम आर्मी में कुल मिला कितनी एक गन जो है वो इंक्लूड कर लेंगे डी आर डी ओ ऑल्सो एक्सप्लोरिंग इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ पिनाका रॉकेट टू 120 एंड 300 किलोमीटर ऐसा कहना है कि डी काम कर रहा है जो हमारा पिनाका है उसका रेंज बढ़ सकता है इससे है ना तो आर्मी ने ऑर्डर किया 114 सौ धनुष आर्टिलरी गन और ये 2026 तक आ जाएंगे दोस्तों अब धनुष गन है क्या 155 सौ mm पचपन की 45 कैलिबर टॉर्ड आर्टिलरी गन है जिसकी रेंज छत्तीस किलोमीटर की होगी

of the ऑर्डिनेंस factory board now manufacturing the dhanush gun has a team on site and is working with army सोर सेट ठीक है तो ये हमारा था आज का जो करंट अफेयर था दोस्तों ये हमारा समाप्त होता है ठीक है मिलते हैं अपनी अगली क्लास में बट जाने से पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से देखो एक तो वीडियो लाइक नहीं किया है आप लोगों ने आज बहुत कम लाइक है सो so, प्लीज़ एक बार पहले तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और साथ साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ में आपको यहीं पर शेयर कर दूंगा आपके साथ तो फटाफट से जाइए एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में तब तक